बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। लड़की को लेकर हॉस्पिटल आ गई हूँ, फॉरन शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत अपनी हालत में, कहाँ हो? जल्दी आओ प्लीज, जल्दी आ जाओ। जगह देखें, मैं बहुत टेंस हूँ। आ गए जगह बनाने के लिए, एमरजेंसी में। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती सलमान, गलती हो गई मुझसे। उसना अगर ना समझ है तो तुम कौन सा अकलमंदी का मजाहरा करते हो? तो मुझे बताएं कि क्या करूं मैं, कितना समझाऊं आपकी बेटी? उसना मेरी बेटी होने के साथ साथ तुम्हारी बीवी भी है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना सीखो। मतलब आप अब भी मुझे ही ताने दें? हमें अगर मालूम होता कि शादी के बाद इतने मसले होंगे तो मैं उसना की शादी तुमसे हरगिज ना करती। गलती हो गई मुझसे भी सलमान, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे एक लम्हा भी नहीं लगेगा अपनी बेटी को वापस लाने में। उसना मुझ पर बोझ नहीं है। अच्छा, अब उसना को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। क्या, उसना को बुलाएं? उसना यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है उसना? ये देखो जरा लापरवाही की इंतहा, मौसूफ को होश ही नहीं कि उसकी बीवी है कहाँ। कहाँ है मेरी बेटी? गई होगी अपनी किसी दोस्त के घर। सलमान सलमान, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। शी इज अलाइव बट अनकॉन्शियस, ब्लीडिंग नहीं रुक रही। इमीडिएटली स्टार्ट कोएगुलेशन थेरेपी बट वेरी केयरफुल। सर पर भी काफी गहरी चोट लगी है, स्पाइनल इंजरी भी लगती है। निगत, इनकी फौरी ड्रेसिंग करें और क्लींजिंग प्लीज। ओके सर। अच्छा डॉक्टर, इनका फौरी सीटी स्कैन होगा और एक्सरे भी करवाएं, सर्वाइकल स्पाइन एबी लेटरल भी। इनके साथ अटेंडेंट कौन है? सर, इस लड़की के साथ एक खातून आई थी पर वो भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती हैं और इसके पास से कोई पर्स वगैरह भी नहीं मिला। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें, वो खुद मालूम करें। ओके सर। कैसा रहा शादी की पहली सालगिरह का सरप्राइज सेलिब्रेशन? ठीक था बस। ठीक था बस, क्या मतलब? तुम्हें सरप्राइज था, अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा था पर मैं कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रही थी। क्या हुआ? बुरा लग गया था, अरे मैं मजाक कह रही थी। ये मजाक था? हाँ तो शादी को एक साल, हमारी दोस्ती को 3 साल हो गए, तुम अभी भी मेरे मजाक को नहीं समझे सलमान। मजाक होता तो मजाक समझता, मैं जानता हूँ ये लेविश होटल्स में तुम्हारे लिए लंच करना कोई नई बात नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, वाकई में आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारा हुआ मेरे लिए बहुत स्पेशल था, मैं सिर्फ तुम्हें टीज कर रही थी यार। रहने दो रहने दो, इतने शौक से सारे अरेंजमेंट किए और तुमने एक लम्हे में मेरी सारी मोहब्बत में पानी फेंक। क्यों बोलूं ऐसा? ठीक है, जो दिल में आए वो करो। सोबिया, सोबिया तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जिंदा है? पता नहीं कैसे हुआ।
पता नहीं कैसे हो गया, अचानक गाड़ी कैसे। सोबिया मैंने मना भी किया, अकेले गाड़ी लेके नहीं निकलना। अच्छा चुप कर जाओ शाबाश, चुप कर, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ कि इस वक्त है कहाँ वो? इमरजेंसी में। मैं आता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि तुम दोनों का बनेगा क्या। कोई कह नहीं सकता कि तुम दोनों की लव मैरिज हुई है। उष्णा के नजदीक जब तक उसकी स्टडीज इंपॉर्टेंट रहेगी ना, हम दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं होगा। सलमान तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, उष्णा के नजदीक तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। परेशान हो गया हूँ यार, हर वक्त का बचपना। बचपना? ये बचपना पसंद करके तुमने उससे शादी की थी और आज यही बचपना तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। वैसे इस बार नाराज होकर कहाँ गई है मोहतरमा? क्या मतलब, उष्णा यहाँ भी नहीं आई? नहीं, यहाँ भी नहीं आई। क्या मतलब, तुम कहीं और भी देख कर आए हो क्या? हाँ मैं उसके पेरेंट्स के घर गया था, सोचा वहाँ होगी, वहाँ भी नहीं थी। फिर ख्याल आया कि यहाँ होगी, उसका फोन भी बंद है। नरमीन के घर चली गई होगी शायद, मैं पता कर लेती हूँ। नंबर तो अभी भी बंद है, इतना दूर नहीं जा सकती वो। क्या पता चली गई हो। हेलो नरमीन। हाँ उष्णा आई है क्या तुम्हारी तरफ? अच्छा तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? अच्छा नहीं नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो ठीक है फिर मैं बाद में बात करती हूँ। कहाँ जा सकती है वो? ये लड़की भी ना बहुत परेशान करती है। एक मिनट, इसकी एक दोस्त है सिद्रा, शायद वहां चली गई होगी। तुम्हारे पास उसका नंबर है? है तो, पर वो मेरी पुरानी सिम में है और वो सिम पता नहीं कहाँ रखी हुई है। किसी और से नहीं मिल सकता क्या? नहीं मैं पता कर लेती हूँ। या फिर एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी सिस्टर। जी अभी एक एक्सीडेंट केस आपके पास आया है, उस लड़की की कंडीशन कैसी है? आप कौन है? जी मैं उसका भाई हूँ जी। क्या नाम है आपकी बहन का? सादिया जावेद। आइए मेरे साथ, हम आपको कब से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ थे आप? वो बच तो जाएगी ना डॉक्टर। तुम जो कहो तुमको मर के मनाऊं। उष्णा आज के बाद तुम ऐसी बात नहीं करो, तुम्हारी मौत का तो मैं सोच भी नहीं सकता। शुएब खून की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई यार, तुम्हें कितनी देर लगेगी? एक घंटा? अच्छा जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूं। मेरी न्यूरोसर्जन से बात हुई है, उनका कहना है कि द कंडीशन इज ड्यू टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। सर और सर्वाइकल स्पाइन बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, खून भी काफ़ी बह गया। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हमें फौरी ऑपरेट करना होगा, क्रैनियोटॉमी। शुक्र है कि आप सही वक्त पर आ गए। प्लीज़ आप यहाँ साइन कर दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। वो बच तो जाएगी ना डॉक्टर? अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इंजरीज काफ़ी हैं। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप अल्लाह से दुआ करें प्लीज़।
ये मैं क्या कर रहा हूं? मेरे एक साइन से किसी की जिंदगी और मौत जुड़ी है, मगर क्या मालूम मेरे साइन के बाद इसकी जिंदगी बच जाए, या फिर या खुदा मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? थैंक यू। यहाँ छोड़ गई है तो क्या हो गया अगर बैग छोड़ के चली गई? मोबाइल था ना मेरे पास। तो इसका भी क्या फायदा, ये भी तो साइलेंट पे ही रहता। पागलों की तरह तुम्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। गुस्सा होने की क्या जरूरत है सलमान, मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी आज। तो कम से कम एक मैसेज करके तो बता देती ना। यू नो व्हाट उष्णा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नजर। हर बात पर इमोशनल मत हुआ करो सलमान, मैं मान रही हूँ मेरी गलती है, मोबाइल रह गया साइलेंट पर। एहसान है आपका, क्या करूं, पांव धोकर पी लूं आपके सलमान। और ये जो तुम इमोशंस कह रही हो ना, ये इमोशंस नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है। मगर शायद शायद तुम्हें इस बात का कभी एहसास नहीं है। तुम जानते भी हो सलमान, अपनी इंजीनियरिंग को लेके मैं कितना पैशनेट हूँ, पढ़ाई में लगी हुई थी, ध्यान से निकल गया मेरे। व्हाटएवर। खून की चार बोतलें चाहिए। डॉक्टर साहब मैं ब्लड दे देता हूँ, मेरा ब्लड ले लीजिए। ओके सुने, मैं भी ब्लड दे देती हूँ अपना। ओके आप भी आइए। जी हाँ, उष्णा सलमान नामी कोई लड़की एडमिट हुई है। अच्छा मैं चेक करता हूँ। नो सर। अच्छा आमिर, कुछ पता चला? अबे यार मैं ईदी सेंटर भी आया हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। ईदी सेंटर? तुम ईदी सेंटर चले गए? यार मैंने सोचा मैं यहाँ भी मालूम कर लूँ। आमिर
यार भाई, तू परेशान नहीं हो, मैं और भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, ओके मैं रखता हूँ। ना परेशान हो कि टीवी मत देखा करो, तुम्हारी बीवी काफी नहीं तुम्हें परेशान करने के लिए। ओहो तुम मौसूफ नाराज हैं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना तुम जो कहो तुमको मर के मनाऊं पिया। आज के बाद तुम ऐसी बात नहीं करो, तुम्हारी मौत का तो मैं सोच भी नहीं सकता। जब इतनी मोहब्बत करते हो तो फिर झगड़ते क्यों? तुम तो जानती हो यार कि मेरा गुस्सा वक्त ही होता, फौरन खत्म हो जाता। अच्छा दोबारा तंग करूं? उष्णा सच तो यह है कि मैं भी तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। जबी हर बार मुझे ही मनाना पड़ता है। हाँ तो इसमें कमाल तुम्हारे मनाने का नहीं है बल्कि मेरे नाराज होने का। ओ सही है भाई, फिर मैं पापा से कह देती हूँ कि मेरे नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस वो पे कर दें। उष्णा तुम भी ना। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, इस लड़की की जान बचा दे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मेरी जान ले ले अल्लाह, मगर इस लड़की को बचा ले। शुएब खून की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई यार, तुम्हें कितनी देर लगेगी? एक घंटा? अच्छा जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। जी हाँ, उष्णा सलमान नामी लड़की कोई एडमिट हुई है? वेट कीजिएगा, एक एक्सीडेंट केस आया है हमारे पास, फीमेल है मगर उनका नाम सादिया जावेद है। किस टाइम हुआ ये एक्सीडेंट? ये सुबह कोई 11 बजे। जी और कोई देखें, कोई और एडमिशन हुआ? नहीं सॉरी सर। शुक्रिया। इस शख्स की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। कितना समझाया था उष्णा को, सलमान अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दर्ज करवाऊंगा। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो तुम मर जाओगी फराज। अपनी बीवी को ढूंढ, पता नहीं किसके साथ भाग गई है वो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात करने की? कुछ पता चला? सारी फ्रेंड लिस्ट छान ली है मैंने, उष्णा किसी के भी घर पे नहीं है और उसका फोन भी मुसलसल बंद है। तुम भी ट्राई करते रहो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। हाँ दे लापरवाही की। मेरी बच्ची इस हाल में होगी, मेरी बच्ची इस शख्स की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। कितना समझाया था उष्णा को, सलमान अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी हुआ
तो मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दर्ज करवाऊंगा। मैं यहाँ आप लोगों की बातें सुनने नहीं आया हूँ। दोपहर से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ उसे। आप लोग कम अज कम उसे ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। ढूंढने की कोशिश कर। लड़की को कुछ हो गया तो तुम मर जाओगी फराज। अच्छा चुप कर जाओ, आंसू पोछो अपने। कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल परेशान मत हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कुछ देर के लिए घर चली जाओ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक इस लड़की का ऑपरेशन नहीं हो जाता, मैं यही हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे गाड़ी लेके निकलना ही नहीं चाहिए था। अगर इस लड़की के घर वाले आ गए तो क्या होगा? मुझसे हुआ ये एक्सीडेंट। हाँ, मुझसे हुआ। तुम्हारा इस एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक नहीं। मैं गाड़ी चला रहा था, समझ गई? नहीं फराज। बस चुप, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं फराज? खामोश हो जाओ बस, बिल्कुल चुप। तो तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि जब तुम दफ्तर से घर आए तो तुम्हारी बीवी घर पे नहीं थी, बाहर गई और गुम हो गई। सर आप बात को क्यों उलझा रहे हैं? मैंने कहा तो है कि मेरी बीवी सुबह से लापता है। आप प्लीज FIR लिखें। ऐसे कैसे लिख दूं FIR? पहले ठीक से याद करो कि बीवी को घर पे ही छोड़ कर गए थे। मेरा मतलब है कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने गई होगी या कहीं मैके वैके छोड़ कर आए हो। नहीं सर। अस्पताल और सरखाना वगैरह चेक कर लिया? जी सर, हर जगह मालूम कर लिया लेकिन उसका कोई पता नहीं है। आप प्लीज FIR लिखें। FIR तो अभी नहीं लिखूंगा, अभी तो सिर्फ 4 ही घंटे हुए हैं। ये भी तो हो सकता है कि शॉपिंग वॉपिंग के लिए चली गई हो बेगम साहिबा। अभी सिर्फ रिपोर्ट लिख लेता हूँ। जी ठीक है। सर मेरी बीवी की तलाश जरा जल्दी शुरू कर दें। अबे पेन कहाँ है? पेन है तेरे पास? अबे पेन तो दे दो। भाई ये वाला रोड जाम मिलेगा, आप उल्टे हाथ वाले रोड पे ले लो। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बस अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे। आउच! भाई आराम से चलाओ, देख के तो चलाओ, ब्रेक तो तरीके से लगाओ, गड्ढे तो देखो। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तो डरा ही दिया था मुझे। तुम्हें चोट अच्छी लग रही है? अगर तुम मेरा इसी तरह ख्याल रखते रहोगे तो मैं रोज नहीं चोट लग पाती। ना ना सहे। भाई भाई तेज चलाओ ना यार। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत में? सर्जरी तो कामयाब रही है लेकिन पेशेंट की कंडीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, उन्हें होश में आने में टाइम लग सकता है। 1 से 2 घंटे में पता चल जाएगा कि बॉडी क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है। मिस्टर फराज ये 2 घंटे बहुत अहम, दुआ कीजिए कि पेशेंट होश में आ जाए वरना कोमा में भी जा सकते। कदर करो मेरी, अगर मैं वाकई में कहीं चली गई ना तो ढूंढ नहीं पाओगे मुझे। बस बस
तुम्हारी इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी मुझे नहीं छोड़ सकते। ये तो सच है। हाँ आमिर, कुछ पता चला? मेरा एक दोस्त है न्यूज चैनल पे, उसने मुझे बताया कि कासवास रोड पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, मगर अभी तक ये नहीं पता चला कि वो उष्णा है कि नहीं। ये बता, पुलिस ने कुछ जवाब दिया? पुलिस कहाँ कोई जवाब देगी। तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम पुलिस स्टेशन से होते हुए कासवास के करीब हॉस्पिटल चेक करेंगे। मैं इस वक्त फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ, यहाँ से नीचे उतरूंगा तो साथ ही होटल है, वहाँ पे आ जाऊँ। ठीक है। और भाभी एक नंबर के बेवकूफ, अस्पताल पहुंचाना था पहुंचा दिया, यही नेकी काफी है। इससे पहले कि इसके रिश्तेदार आ जाए यहाँ पे, निकल जाओ यहाँ से, वरना भाभी के साथ तुम भी जेल जाओगे। श्वेत, तुमने खून देना है तो दे दो यार, मशवरा मत दो, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। ऐसे कैसे किसी को रोड पे छोड़ के जा सकता हूँ मैं, जबकि गलती भी अपनी। शर, तू क्यों नेकी का देवता बना हुआ है? तेरा दोस्त हूँ, तेरा भला चाहता हूँ मैं। अभी किसी को कुछ पता नहीं चला, भाभी को लेके चुपचाप चला जाए यहाँ से। ऑपरेशन हो गया उसका, होश में भी आ जाएगी। हाँ आएगी वो होश में, और जब वो होश में आएगी तब यहाँ से चले जाएंगे। और उसके रिश्तेदार आ गए तो क्या करेगा फिर? जो सच है वो बता देंगे। कम ऑन यार फराज, तू जैसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है यार। अपना नहीं तो एटलीस्ट भाभी का तो ख्याल कर, कभी कभी की नेकी गले पड़ जाती है। देखो शुएब, ये सब बातें मुझे नहीं मालूम, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तुम अगर खून देना चाहते हो तो दे दो। ओ यार दूंगा ना खून, दोस्त से तू अपना, तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ। चल बता कहाँ जाना है। चलना। अच्छा अबे तंबू को चौड़ी गली से निकाल। हाँ अबे रोड ब्लॉक होता है तो होने दे, एक दिन की परेशानी है, और ज्यादा कोई चूच ना करे ना तो मेरा हवाला दे, जानता है ना मुझे। हाँ सर, मेरी बीवी का कुछ पता चला? सर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अबे क्या इंतजार कर रहे थे, थाने में लोग एक एक हफ्ते तक पड़े रहते हैं, समझा? सर हम सुबह भी रिपोर्ट लिखवाने आए थे और आपने कहा था कि शाम तक अपडेट कर दूंगा, पहले भी आए और आप नहीं मिले। मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम लोगों का, काम ना करूं? अबे थाने को ताला लगाकर इसकी बीवी को ढूंढता रहूं? आवाम की मदद करना आप लोगों का फर्ज है। ओ हीरो, पुलिस को फर्ज याद दिलाएगा तू? अपनी बीवी को ढूंढ, पता नहीं किसके साथ भाग गए हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात करने की? कहा जाते हैं पानी पिलवा। अरे अरे आप, मुझे अंदर जाना है, मुझे उषा के पास जाना है। अरे आप अंदर नहीं जा सकते हैं, एक्सीडेंट मत से हो, मैं ड्राइव कर रहा हूं। हाँ कर अपने लिए, मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? प्लीज उठ जाओ। तुझे बताया है मैं यहां मालूम करके जा चुका हूं। यार एक बार फिर पूछ लेंगे क्या हो जाएगा। आजा जिसमें है। कोई एक्सीडेंट केस में उषना सलमान नाम की लड़की एडमिट है? जी एक फीमेल एडमिट तो हुई है एक्सीडेंट केस में, मैं नाम चेक कर लेता हूँ दोबारा। जी सादिया जावेद नाम है उनका। हम मिल सकते हैं?
जी बिल्कुल मिल सकते हैं, आईसीयू में है वो। आईसीयू की तरफ यहाँ से आप सीधा जाएंगे, लेफ्ट मुड़ जाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू। अरे आप, मुझे अंदर जाना है, मुझे उषा के पास जाना है। अरे आप अंदर नहीं जा सकते हैं, मेरी बीवी है वो, मुझे उससे मिलना है। प्लीज, अभी उनसे कोई नहीं मिल सकता, आप यहीं वेट कीजिए। कोई नहीं कर रहा मैं वेट। आप देखिए, आप उनके भाई और भाभी भी यहाँ वेट करें। प्लीज आप इन्हें समझाते क्यों नहीं है? देखिए, एक्सीडेंट मत से हुआ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन आप यकीन करें मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। कर अपने लिए, क्योंकि अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक्सीडेंट मुझसे हुआ है, ये मेरे शौहर है, मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। नहीं, गाड़ी में ही चला रहा था, मुझसे एक्सीडेंट हुआ। देखिए, हम आपके कसूरवार हैं, आप जो सजा देना चाहें हम भुगतने को तैयार हैं। आपकी बीवी के लिए हम भी दुआ कर रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। प्लीज। जब मैं तुम्हें एक बार मना कर चुका हूँ तो क्यों लिया तुमने अपने बाबा से पैसे? इतनी सी बात पे इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? अरे मेरे एग्जाम्स की डेट निकल रही थी, अगर दे दिए पापा ने पैसे तो क्या हो गया? बाहर में गई तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खर्चा उठाता तो हूँ, फिर भी तुमने मुझे अपने पापा की नजर में फकीर बना दिया। क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतना फजूल सोचने लगे हो तुम? हाँ, अब तो मेरी सोच तुम्हें फजूल ही लगेगी ना। देखो उष्णा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो मेरे वसाइल के साथ गुजारा करना पड़ेगा, वरना जा सकती हो तुम अपने पापा के घर। सलमान, इतनी सी बात को तुम क्या बढ़ा रहे हो? सलमान, उष्णा, परेशान करती हो मुझे। उठो, उठो, प्लीज उठो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तू मुझे सुन रही है, मुझे तंग करने में तुम्हें मजा आता है। उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? इतना नाराज कैसे रह सकती हो तुम मुझसे? कितना ढूंढा तुम्हें मैंने, असल में तो आज समझाऊं मैं हमारे रिश्ते को, तुमने इंजीनियर बनना है ना, तुम ख्वाब अधूरा कैसे छोड़ सकती हो? तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? प्लीज उठ जाओ। Thank you.
गए थे। इतनी आसानी से दोबारा पीछे नहीं छोड़ Sorry. I love you.